वर्षा अंतिम दिवसे नवसारी नो हाईवे काळमुखो बन्यो अने पूरपाट दौड़ती फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर कूदी सामेथी आवती लक्ज़री बस में धड़ाकाभेर अथड़ाता कार में सवार आठ युवान घटनास्थले ज कंपमाटी गया मौत निपजाता। चेरी बस में सवार श्रद्धालु मांथी एक आधेर ने हाथ टकावता सारवार दरमियान एनु पण करुण मौत निपजू हतुं। चेरी त्रीस लोकोने नानी मोटी इजा थता तेने नवसारी सिविल हॉस्पिटल में खसेडवामां आव्या हता। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर नवसारी वेसवा गाम नजीक आज वहेली सवारे 3 कलाक ने 30 वाग्या आसपास वलसाड़ी भरूच तरफ पूरपाट झड़पे जई रहेली फॉर्च्यूनर कार कलाके स्टीयरिंग पर काबू गुमाता कार डिवाइडर कूदीने सामेना ट्रेक पर वलसाड़ तरफ जती लक्ज़री बस साथ धड़ाकाभेर अथड़ाती। वधु झड़प होवाने कारणे बस साथ अथड़ाता ज मजबूत गणाती फॉर्च्यूनर कार नो खुर्दो बोली गयो हतो, जेना कारणे कार में सवार 9 युवान मांथी 8 युवान घटनास्थले ज कंपकंपाटी भर्या मौत निपजाता। जेर सामे लक्ज़री बस में बैठेला श्रद्धालुओं ने नानी मोटी इजा थई हती। जेमां ड्राइवर की बाजू में बैठेला कोलक गामना आधेड गणेश टंडेल अकस्मात ने कारण गभराट छूटता हार्ट अटैक आव्यो हतो। अकस्मात बाद हाईवे थी पसार थता वाहनों थंभी गया हता अने नजीकना गामना लोको घटनास्थले दौड़ी आव्या हता। आज अर्ली मॉर्निंग में नवसारी जो हाईवे वहाँ पे हमारे नाज होटल विस्मा के एरिया में पड़ता है, वहीं पे जो वाइट फॉर्च्यूनर और लग्जरी ट्रैवल्स के बीच में एक एक्सीडेंट का हादसा हुआ है। उसमें कुल 9 जो व्यक्ति हैं उनका डेथ हुआ है और बाकी जो 29 लोग हैं वो भी स्टेबल है और उनको मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट दिया गया है। और ये जो पूरा बनाव है उसमें फॉर्च्यूनर के जो ड्राइवर है वो अपना जो बोले कि स्टीयरिंग का इम्बैलेंस की वजह से ये रॉन्ग ट्रैक पे जाके ट्रैवल्स के साथ में उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बनाव बना है वो पूरा इंसिडेंट सुबह 3:20 का और हमारा पूरा टीम है वो जो हाईवे पेट्रोलिंग का वो इमिडिएटली उन्होंने रिस्पॉन्स किया था। फिर बाद में मैं और हमारे DYSP हमारे PI सभी ने विद इन 20 मिनट्स हम लोग वहीं पे प्लेस पे पहुंच गए थे और रेस्क्यू का जो पूरा है वो हमने कामगिरी स्टार्ट कर दिया था। कुल मिला के इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 29 लोगों का अभी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अभी कंप्लीट हुआ है और वो अभी सभी सेफ है। सर, PM ने और होम मिनिस्टर ने ट्वीट किया तो क्या आपके संपर्क में किस तरह की वहाँ से सूचना दी? नहीं, हमारा तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी ऐसा हादसा होता है बड़ा या छोटा है तो हमारा एक ही रिस्पॉन्स टाइमली रिस्पॉन्स दे के रेस्क्यू जो करना होता है वही हमारा और हमारा प्राइम मोटिव रहता है। किसकी गलती मानी जाती है हादसे में सर? प्राइमरी तो देखिए कि दोनों अलग जो ट्रैवल्स है वो तो अपने राइट डायरेक्शन में ही चल रहा था लग्जरी बस का जो है, लेकिन जो फॉर्च्यूनर है वो अपना ट्रैक छोड़ के वो ऑपोजिट ट्रैक में चल रहे थे तो प्राइमरी मतलब क्लियर है कि उसमें फॉर्च्यूनर ड्राइवर है उसका ही गलती है इस इंसिडेंट में। वो अभी तो प्राइमरी लेवल पर जो हमारा प्रोसीजर है वो सब मेडिकल का वो कर रहे हैं, बाद में उसका रिपोर्ट आने के बाद हमारा सर, के वो कहां के है और जो बस से कहां से कहां जा रहे हैं? जो अपने फॉर्च्यूनर के पूरे हैं वो भरूच के रहने वाले हैं और जो बस के जो प्रवासी हैं वो सभी वलसाड डिस्ट्रिक्ट के उदवाड़ा तहसील के रहने वाले हैं। हमारा गाम थी अमदावाद खाते जो स्वामीनारायण प्रोग्राम चाली रहा है बस लग्जरी बस त्या गई थी अने रात्रे रिटर्न थता એમનું નવસારીમાં વેસમા પાસે એક્સિડન્ટ થયેલ છે। એ એક્સિડન્ટ સામેથી કોઈ ટોયોટા ગાડી ઓપોઝિટમાં આવી હતી અને એ ટોયોટા ગાડીના સવાર પણ બધા જ મરણ પામેલ એવું જાણવા મળેલ છે અને જે અમારા કોલકના જે મુસાફરો હતા એમાંથી 15-20 જણા ઇન્જર થયેલ છે, એમાં એક ભાઈ પણ સિરિયસ છે। જે વધારે ઇન્જર છે એમને અમે અહીંયા યશ્વિન હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરેલ છે અને બાકીના જે નોર્મલ પેસેન્જરો છે એને અહીંયા નવસારી સિવિલથી અમે વલસાડ શિફ્ટ કરવા માટે તજવીજ હાથ ધરી રહ્યા છે। અહીંયા ડોક્ટરોનો સ્ટાફ અને જે નર્સો છે એ સારી એવી મહેનત કરીને એમને સારી એવી ટ્રીટમેન્ટ આપી છે। સમગ્ર મુદ્દે નવસારી પોલીસને જાણ થતાં પોલીસ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સહિતના અધિકારી પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા। અકસ્માતમાં પડી કુવાળી થઈ ગયેલી કારના પતરાને ક્રેનની મદદથી ખેંચી મૃતક યુવાનના મૃતદેહને બહાર કાઢી PM અર્થે નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા।
જ્યારે ઘાયલને પણ 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા, જેમાંથી 11 ઘાયલોને ખાનગી હોસ્પિટલમાં રીફર કર્યા હતા. પરિમલ મકવાણા, હિન્દી ન્યૂઝ, નવસારી.